पति महोदय, कि आपने मुझे आधार पर बात रखने का मौका दिया। आज आधार के माध्यम से अलग अलग सब्सिडीज जो है, अलग अलग स्कीम्स जो है, वो सामान्य मानवी तक पहुंचाने का काम आधार के माध्यम से हो रहा है। जब बात इस प्रकार की या कोई भी और सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से सामान्य व्यक्ति को देने की आई, तो सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि सामान्य व्यक्ति बैंक व्यवस्था से कोसों दूर थी। इसे बैंकिंग को सामान्य मानवीय के जीवन से का हिस्सा बनाने का काम अगर किसी ने किया होगा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने किया है। जनधन योजना का निर्माण किया और 30 करोड़ बैंक खाते खोले गए और आगे इन बैंक खातों को आधार से जोड़ने का कार्य संपन्न हुआ। आगे जाकर जनधन आधार सरकार और सामान्य मानवीय के बीच बनी संबंधों की मिसाल बन गई। इस 2016 के अधिनियम में संशोधन लाने का मकसद व्यापक है। टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज, इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना अनुकूल फैसला सुना दिया। आधार को लेकर राइट टू प्राइवेसी, यह सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत अधिकार कहा है। मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल में संशोधन करते हुए प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का विषय आधार को लेकर जो था उसे कई प्रमाण तक हल किया है और डेटा प्राइवेसी का दुरुपयोग करने पर रोक लगाई है। यह संशोधन के बाद प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होगी कि वह अपना आधार नंबर किसी कंपनी को दे या नहीं दे। देयर विल बी नो कंपल्शन ऑन एनीवन। एक संशोधन यह होगा जिसके तहत आधार नंबर के साथ एक नंबर पर्याप्त होगा जिसके तहत असली आधार नंबर को छुपाया जा सकता है। सिर्फ गोपनीयता का मूलभूत अधिकार इतना ही नहीं बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा का भी सम्मान करना यह है। 18 की उम्र पूरी होने के बाद वयस्क बच्चा अपना आधार नंबर रद्द कर सकता है। अब इसकी कोई सख्ती तो नहीं होगी, पर मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगा कि जब भी वह नंबर कैंसिल करने के लिए निवेदन दे तो उसका पूरा जो डेटा है वो पूरा डेटा डिलीट किया जाए, क्योंकि उसके आईडी स्कैन हो या बायोमेट्रिक्स हो, सभी प्रकार का डेटा अभिलेख सरकार के पास अगर होगा तो भविष्य में शायद इसका दुरुपयोग होने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। आज आधार 112 करोड़ लोगों के पास है, मतलब आधार कार्ड जो है वो पूरे देश का आधार बन चुका है। आधार हैज बिकम इम्पोर्टेंट टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, गुड गवर्नमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। इट हैज ब्रॉट ट्रांसपेरेंसी इन डिलीवरिंग सिस्टम एंड स्टॉप लीकेजेस। नाउ बिकॉज ऑफ आधार बेनिफिट्स डायरेक्टली रीच द बेनिफिशियर। इसमें आप किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं रही, बिचौलियों की दुकान बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। डीबीटी हो, एलपीजी सब्सिडी हो, स्कॉलरशिप हो, नरेगा हो या पेंशन हो। आज एक छोटा उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा कि प्री आधार द डिमांड फॉर जॉब्स इन ड्रॉट स्ट्राइकन एरियाज वॉज लोअर बाय 8% देन इन अनएफेक्टेड एरियाज। पोस्ट आधार द नंबर ऑफ पीपल डिमांडिंग वर्क वॉज हायर बाय 17% इन ड्रॉट एरियाज। तब जो उद्देश्य मनरेगा का था वो आधार के आने के बाद फुलफिल हुआ। टोटल सेविंग्स बिकॉज ऑफ आधार लिंकेज इज जस्ट 2.5 years इज जस्ट इन जस्ट फ्यू स्कीम्स वर ₹49,000 करोड़। गवर्नमेंट ने अब तक 7.4 लाख करोड़ में अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और 1.4 लाख करोड़ बचाए हैं। और एक उदाहरण में देना चाहूंगा, एन इंटरेस्टिंग इवेंट हैपेंड इन बैंगलोर इन जुलाई 2017। थ्री मेंटली चैलेंज किड्स वर रीयूनाइटेड विद देयर लॉस्ट लॉन्ग पेरेंट्स। नरेंद्र, ओम प्रकाश, नीलकांत वर थ्री डिफरेंटली एबल किड्स इन एन ऑर्फनेज इन होसार। देयर लाइव्स विटनेस्ड अ मिरेकल व्हेन यूआईडीआई टीम इन इट्स ड्राइव ऑफ एनरोलिंग देम फॉर आधार फाउंड दे वर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर गुड। इट टुक वेरी लेस टाइम फॉर ऑफिशियल्स टू देन ट्रेस द किड्स इन टू इंदौर, झारखंड एंड तिरुपति रिस्पेक्टिवली। वन कैन फील हाउ थैंकफुल एंड ब्लेस्ड द पेरेंट्स शुड बी। आधार इज डेफिनेटली स्टार्टिंग टू प्रूव इट्स मेटल। कंप्लायंस थ्रू आधार इज नाउ वॉलेंट्री, बट मोस्ट इंडियंस aren't aware of how their personal information can be used or misused. Neither are they aware of their legal rights. Reportedly, there also have been some errors in registration process. Some people had received Aadhaar with wrong photographs or fingerprints. The detailed personal information is not being treated with required sensitivity for privacy concerns. Major financial finishing it.
major financial transactions are linked with information collected in Aadhaar. Data leaks are gold mines for criminals who now use this sophisticated hackers. Aadhaar principal goal were to end fraud and reach welfare schemes to the poorest. So I urge upon the government to look into this data leakage, and also I like to suggest that data stored in mobile companies and any other agencies should be permanently deleted so that the misuse can be prevented. The government therefore needs to find a solution that will not compromise individual privacy concerns while making the process of identity authentication easy and cost effective. With this, I and Shiv Sena, my party, support this bill. Thank you.